brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. निंदनीय है पूरी तरीके से और जांच होनी चाहिए। ऐसे में जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पर बाधा बनते हैं या इस तरीके से माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, उनको चिन्हित कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिक्स फेज का खत्म हो गया, क्या लग रहा है अब क्या माहौल है? भाई माहौल जैसे पहले पांच फेजेस में था एक तरफा बिहार में, और कारण है ना भाई क्यों नहीं एक तरफा जाएगा। मुझे बताइए ना कि जिस महिला को दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने शौचालय बनवा के दिया, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगी? जिनके घर उज्ज्वला गया, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगी? आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोग अपनी जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। आज पांच पांच लाख रुपए का मुफ्त इलाज आयुष्मान के माध्यम से हो रहा है, क्या वो व्यक्ति मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, क्या वो व्यक्ति वो परिवार मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? जिस संख्या में आज प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, जो छत घर पर दी गई है, सर के ऊपर दी गई है, क्या वो लोग मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? ऐसे में जहां वो लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, पिछले 10 सालों में जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ साथ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, तो आप लाभार्थियों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं हमारी योजनाओं से, उनका साथ मेरे प्रधानमंत्री के साथ। और बिहार में अगर हम लोग समीकरण की बात करें तो पहले से मजबूत गठबंधन हम लोग का 2019 से बड़ा और मजबूत गठबंधन, पिछली बार 3 दलों का, इस बार 5 दलों का गठबंधन, ये तमाम फैक्टर्स मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं। और देखिए जब जब महागठबंधन की बात आती है, गाली गलौज, मारपीट, हाथापाई, इस तरीके की घटनाएं जब जब उबाल लेती है, तब तब जनता पूरी तरीके से एनडीए का साथ देती है। में जो घटना हुआ उसको कैसे देखते हैं? निंदनीय है पूरी तरीके से और जांच होनी चाहिए और कड़ी जांच होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, लोग हर्षोल्लास के साथ इसको मनाना चाहिए, ना कि इस तरीके की खूनी झड़प के साथ। ऐसे में जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पर बाधा बनते हैं या इस तरीके से माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, उनको चिन्हित कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम जो अग्निवीर योजना को फाड़ के फेंक देंगे, जो योजना पीएम ने बनाई है। तो भाई अभी तो हो नहीं सकता, 10 साल के बाद फिर इसमें बात करें।